सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम नई हिंदी रंगोली पाठ्यपुस्तक में पाठ 10 चालाक चूजे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 10 चालाक चूजे पेज नंबर 71। अपनी बात। लालच बुरी बला है, कभी किसी की बातों में मत आइए। अपने विवेक से काम कीजिए, तभी मुसीबतों से दूर रहेंगे, अन्यथा आप अपने प्राण संकट में डालेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर आगे हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस चित्रकथा में मुर्गी की चूजों की चालाकी की तथा होशियारी को बताया गया है। ये चित्रकथा है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसे ये मुर्गी बनी हुई है और यहाँ पर मुर्गी का चित्र बना हुआ है, ये चूजे बने हुए हैं, यहाँ पर चूजों का चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से ये कहानी है। और वो ये जो चूजे हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, ये बहुत होशियार और चालाक है, और इनकी होशियारी और चालाकी के बारे में बताया गया है। बिल्ली है, और यहाँ पर ये भूरी बिल्ली है, और बिल्ली जो है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझती है, लेकिन उसकी चालाकी इन चूजों के सामने नहीं चलती है। और वह सोचती है कि वो बहुत चालाक है और इन चूजों को अपना शिकार बना लेगी। और वह चूजे जो हैं बिल्ली की मक्कारी को समझ जाते हैं और सीधा सीधा उसको बिल्ली को जवाब दे देते हैं, और बिल्ली अपना मुंह लेकर दिल्ली को लौट जाती है। इस कहानी में हम इस बारे में इस बिल्ली और चूजों और इस मुर्गी के नाम मुर्गी को पढ़ेंगे, और जिस मुर्गी का नाम राधा है। एक मुर्गी थी, ये एक मुर्गी है, ये इसका नाम है रानी, उसका नाम रानी था। रानी मुर्गी के चार चूजे थे, ये चूजे की चित्र बना हुआ है, तो ये चूजे हैं। वे सब मिलजुल कर आपस में प्यार से रहते थे, वो जो चूजे थे वो आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। जब मुर्गी दाना लाती तब चूजे उस दाने को चुक चुक कर खाते थे। एक दिन मुर्गी चूजों के लिए खाना लेने बाहर गई, उसके जाते ही एक मोटी भूरी बिल्ली दरवाजा खटखटाने लगी। उसने चूजों से कहा कि वह उनकी मौसी लगती है, वह दिल्ली से आई है तथा उन चूजों के लिए उपहार और मिठाइयाँ लाई है। उसने चूजों से दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस कहानी में चूजे हैं, चार चूजे हैं, मुर्गी है और एक भूरी बिल्ली है, जो उन मुर्गी के घर आई है जहाँ पर मुर्गी दाना लेने गई है, और चार चूजे घर पर हैं। तो बिल्ली ने उनसे बोला है कि वह उसकी मौसी लगती है और वह उसके लिए उपहार और मिठाइयाँ लाई है और बच्चों से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। अब हम अगले पृष्ठ पर जाएंगे, पेज नंबर 72। उपहार और मिठाइयों का नाम सुनते ही चूजों के मुंह में पानी भर आया, परंतु चूजे बहुत ही होशियार और चालाक थे। उपहार और मिठाइयाँ जब उन्होंने इन चूजों ने नाम सुना तो उनके मुंह में पानी आ गया, लेकिन जो चूजे थे वो बहुत होशियार और चालाक थे। बिल्ली की होशियारी समझ गए थे, बिल्ली बार बार उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। चूजों ने एक उपाय सोचा, उपाय मतलब तरकीब। बिल्ली से कहा कि मौसी, हमें उपहार और मिठाइयाँ नहीं चाहिए, मिठाइयाँ आप खा लो, बस हमारे लिए कुत्ते ला दो। बस फिर क्या था, जैसे ही बिल्ली ने कुत्ते का नाम सुना वह समझ गई कि यहाँ उसकी होशियारी नहीं चलेगी। बिल्ली वहाँ से दुम दबाकर भागी, और उसने दिल्ली जाकर ही दम लिया। जब उन चूजों की चालाकी समझ गई बिल्ली, तो वहाँ से दुम दबाकर भाग गई, और जब वो दिल्ली पहुँची तब वहाँ पहुँचकर उसने सांस ली। रचनात्मक अभिव्यक्ति। जब आप घर में अकेले थे, अचानक कोई अजनबी आ गया, तब आपने
उससे क्या क्या बातें की, उसे किस प्रकार भेजा, अपने अनुभव को 4-5 वाक्यों में बताइए। तो बच्चों आज आज यह चैप्टर हमने पढ़ा, चालाक चूजे, इसको आप घर पर दोबारा पढ़ें और इस पाठ को समझें और ये रचनात्मक अभिव्यक्ति को आप खुद करें। आगे की कक्षा में हम इसी पाठ के साथ आपको इसके शब्दार्थ, मौखिक और लिखित प्रश्नों के बारे में बताएंगे।